कि क्या है ये डेटा प्रोटेक्शन बिल में? देखिए, उपभोक्ता का निजी डाटा लीक होना आम बात है। सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही है कि एक कानून लेकर के आ जाए जिससे कंपनियों की जवाबदेही तय की जाए। गुरुवार को आईटी मंत्री लोकसभा में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पेश करेंगे। इस बिल में ड्राफ्ट बिल के मुकाबले कई सारे बदलाव किए गए हैं। कंपनियों पर पेनल्टी की मात्रा घटाई गई है। पहले कंपनियों के ऊपर 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी लग सकती थी, लेकिन अंतिम बिल में सिर्फ 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी कंपनियों के ऊपर लगेगी। कंपनियों को डाटा गिरवियांश अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति का डाटा लीक होता है तो उस गिरवियांश अधिकारी को अपनी शिकायत कर सकता है। कंपनियों को इंडिपेंडेंट डाटा ऑडिटर नियुक्त करने पड़ेंगे। स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिल रही है। पहले लग रहा था कि स्टार्टअप्स भी बिल के शिकंजे में आएंगे, लेकिन कंपनियों के डाटा वॉल्यूम के आधार पर कंपनियों को छूट दी जा सकती है। तो ये कई सारे बदलाव हैं जो कि इस पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या विपक्ष इसका विरोध करता है, ये बिल लोकसभा में पारित होता या फिर इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाता, क्योंकि इसको लेकर के काफी लंबे समय से काफी विरोध चल रहा है।